Hi friends and welcome to the Hindu editorial analysis brought to you by Aditya verse 7 and I am Saurabh De. गाइस so आज का जो यहां पर सेशन होने वाला है दिस इज एक्चुअली अ वेरी ऑल इंक्लूसिव सेशन बिकॉज यहां पर सबसे पहले वी गोन टेक अ लुक एट द टॉप हेडलाइंस ऑफ द आर उसके बाद वी गोन टेक अ लुक एट द टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट गॉट प्रिंटेड इन टू रेज द हिंदू एडिटोरियल एंड देन वी आर ऑल्सो टेक अ लुक एट ऑल द अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू एडिटोरियल साथ ही में इस सेशन को देखने के बाद जो आपकी कॉम्प्रीहशन स्किल्स होंगी वो काफी इंप्रूव हो जाएंगी साथ ही में जो आपका पैरा जंबल स्किल होगा वो भी इंप्रूव होगा और जो आपकी होगी वो भी काफी बूस्टअप हो जाने वाली है एंड अगर आप इस को लगातार देखते आए हैं तो I am sure कि जो first, the Hindu editorial analysis में जिस पे आपका रहा होगा टैलेंट या आपका जो भी uh, रहा होगा अब जरूर सुधर गया होगा एंड नाउ परिहशन एंड इंग्लिश एज वेल वेल लिदाउट ऑफ द टॉप हेडलाइंस ऑफ राइट हियर फॉर यू नो फर्स्ट वन इज इंडियन टीम एंटर्ड वर्ल्ड कप फाइनल है हालांकि ये टॉप हेडलाइन ऑफ आर तो नहीं है बट यस इट्स इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन ऑफ द आप लोगों को पता ही होगा कि हरमनप्रीत कौर ने कल एकदम सुपर पंजाबन वुमेन का रोल अदा किया है एंड पर है अप्रोक्सिमेटली ऑन सेवन ऑन वन बॉल्स बिल्कुल तो उन्होंने शायद 20 चौके और सात छक्के मार मार के कल एकदम छक्के छुड़ा दिए एंड आई थिंक इंडियन प्रीमियर लीग में मस्ट बी गिवन अ चांस एनी वे सो इज देवी प्रसाद सी राव अ गोवा बेस्ड आर्टिस्ट पेंटेड लिस्बन लिस्बन एंड कॉलिंग द डेथ एंड रीबर्थ ऑफ लिस्बन आप देखो क्या है लिस्बन जो है ये एक पोर्चुगल का शहर है एंड एटीन सेंचुरी में एक अर्थक्वेक की वजह से और फिर एक सुनामी की वजह से ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन वापस यह उठ के खड़ा हुआ और उसमें जो है जो भी आर्किटेक्चर था वो वापस सब कुछ सही हो गया So you know what Debi Prasad Shirao actually he is a Goa-based artist and he painted Lisbon impact and Lisbon uh, calling for depicting the death and the rebirth of Lisbon. Okay. Then the next point is 140 new FPIs registered with SEBI in April. Top summer sakte ho perhaps. Now this is something of a foreign investment. Okay, guys. So I'll say fresh foreign portfolio investment jo hai 140 investors. Okay, fresh foreign portfolio investors jo hai

काफी अच्छा रहेगा और अच्छी बात यह है कि ये हमारे यूपी वाले भैया ही हैं। इनफैक्ट यू नो वॉट ही फ्रॉम कानपुर सो आई एम श्योर दट ऑल द विल बी फीलिंग वेरी प्राउड सो ऑल दो वॉचिंग दिस वन फ्रॉम यूपी एंड कानपुर गिव मी अ हाई वेल, लेट्स टेक लुक द आर्टिकल सो As India's 14th President Ram Nath Kovind will be expected to play the important role of safeguarding the spirit of the constitution and the foundations of our parliamentary democracy. Above this, eh? हमारे भाई हमारे देश के चौदह चौदहवें ये राष्ट्रपति होने वाले हैं सो ही एक्चुअली इज मोस्ट रॉबली ही इज़ आर फोर्टीन प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद एंड ही विल बी एक्सपेक्टेड और इनसे ये उम्मीद की जाएगी तो जो भी हमारा संविधान है उसकी रक्षा करेंगे साथ ही में हमारे संविधान में जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आ, हमारे बेसिकली ने या जो भी हमारे डेमोक्रेसी uh, के जो मेन मेकर्स हैं उनके जो भी वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि संजय हुए हैं ये उन सभी का अच्छे से ख्याल रखेंगे और पालन करेंगे अपने कर्तव्य का सो बाय द बायर आर फोर्टी प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद विल बी एक्सपेक्टेड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द कंस्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ अनलाइक हिज इमीडिएट प्रोटिज दैट मीनस अ फोर बेर प्रणब मुखर्जी मिस्टर कोविंद मूव्स इनटू राष्ट्रपति भवन आफ्टर स्टेंट इन द राजभवन अब देखा जाए तो जैसे कि हमारे अभी फिलहाल वर्तमान जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी जी तो प्रणब मुखर्जी जी इससे पहले uh, कोई भी गवर्नर के पोस्ट पे नहीं रहे थे बट मिस्टर रामनाथ कोविंद इज एक्चुअली द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार यू नो एंड आफ्टर बींग नेम्ड द प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट और नॉमिनी ही रेजिग्नेशन और और सबसे बढ़िया बात ये थी कि प्रेसिडेंशियल uh, जो इलेक्शन था उसके बाद जब इनका नामांकन उसमें किया गया उसके पहले जो इनका नामांकन किया गया था तो इनका रेजिग्नेशन बड़ा स्टाइल वाला था एंड बिकॉज यू नो वॉट ही ही रेंडर्ड यू नो हिज रेजिग्नेशन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रेंडर किया टू द प्रेजिडेंट फॉर टेकिंग द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल तो परप्स गवर्नर का जो होता है आपका रेजिग्नेशन वो जाता है प्रेजिडेंट को और वो रेजिग्नेशन इसलिए था क्योंकि उनको प्रेसिडेंट ही बनना था वेल एनी इज़ दैट इफ यू टेक एंड प्रणब मुखर्जी गवर्नर येट एंड कोविंद वॉज एक्चुअली गवर्नर सो ऑफ बिहार बाय द वेट्स वाई दिस इज अ रियली बिग थिंग इन फैक्ट दिस बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर हेम एज वेल नाउ आर्ग्यूएली इट इज अ राजभवन एंड नॉट द ऑफिस ऑफ द प्रेज वाइस प्रेसिडेंट दैट इज द बेस्ट प्रेपरेटरी ग्राउंड फॉर द नॉन सेरमोनियल ड्यूटीज ऑफ द प्रेजिडेंट पर्टिकुलरली टू डोज दैट मे इन्वॉल्व इन वोकिंग द ऑफिस डिस्क्रिप्शनरी पावर्स अब देखा जाए तो राजभवन में ही जो गवर्नर का ऑफिस होता है हो, उसमें काफी अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स किस तरह के हो सकते हैं और जो डिसीजन है प्रेसिडेंट को किस तरह के लेने पड़ जा पड़े जा सकते हैं सो गाइज्स सी द थिंग इज द हाउस ऑफ द गवर्नर राधा यू नो वॉट द पावर्स ऑफ द गवर्नर

एंड के आर नारायणन अडोप्टेड डिफरेंट प्रोसीजर्स टू डिसाइड हु वुड हैव द फर्स्ट शॉट एट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अब देखा जाए भाई तो जब भी ऐसा हुआ है कि जनरल इलेक्शंस हुआ है और उसके बाद लोकसभा में कोई भी पार्टी जो है बहुमत में नहीं आई है और एक हंग किस्म का लोकसभा हो गया है तो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं फिर भले वो आर वेंकटा रमन हो या शंकर दयाल शर्मा जी हो या फिर खे आर नारायण जी हो इन सभी ने अलग अलग तरीके का अप्रोच अपनाया था ये चूज करने के लिए या ये सोचने के लिए कि किसको सरकार बनाने के लिए हम आमंत्रित कर सकते हैं सो परहैप्स आफ्टर द जनरल इलेक्शंस दैट यू नो मेनी अ टाइम बिकॉज ऑफ विच देर वॉज अ हंग लोकसभा असेंबली former presidents like uh, r venkata raman and shankar dayal sharma and k r Narayananji adopted different ways or different approaches to decide that who should have or rather who would have the first shot at forming the government now venkata raman and sharma invited the leader of the single largest party with varying results राजीव गांधी रमन इन्विटेशन इन नाइन एटी नाइन एबी वाजपेई एक्सेप्ट शर्मा इन्विटेशन इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स ओनली टू सी हिज गवर्नमेंट फॉल विद इन थर्टीन डेज वेल एनी वे अब देखा जाए भाई तो अगर हम बात करें नाइनटीन एटी नाइन में तो उस टाइम पे जब हंग हाउस था तो राजीव गांधी जी जो उस टाइम पे बेसिकली लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर थे सिंगल लजस्ट पार्टी के मेंबर थे तो उन्होंने मना कर दिया था उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था 1989 में सरकार बनाने से और वहीं पर अगर देखा जाए तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शर्मा जी यहां पर जो कि शंकर दयाल शर्मा जी थे उनका इनविटेशन उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया था उन्नीस में सरकार बनाने के लिए और जिसकी वजह से जो उनकी सरकार थी शायद वो सिर्फ तेरह दिन की ही रही थी सो आई होप गाइस की इतना आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन करेक्टली वेल हियर कम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड Beware, it's a full-length block hole yorker. So I am challenging you. Let's see if you can go score one-on-one -on -one right away. And here comes question number one. So, as India's 14th president, Ramnath Kovind, will be expected to play the important role of safeguarding the spirit of the constitution and the foundations of our parliamentary democracy. What's the correct answer? You got 30 seconds, your time starts now. Hurry up, guys. Quickly.

So, as India's 14th president, Ramnath Kovind will be expected to play the important role of safeguarding the spirit of the constitution and the foundations of our parliamentary democracy. Now, option 1 is like his immediate predecessor, Pranam Mukherjee, Mr. Kovind moves into Rashtrapati Bhavan after a stint in a Raj Bhavan. Is this right? Option 2 is unlike his far pre uh, unlike his far predecessor pranam Mukherjee, Mr. Kovind moves into Rashtrapati Bhavan after a stint in the Raj Bhavan. Option three is unlike his immediate predecessor pranam Mukherjee. Mr. Kovind moves out of Rashtrapati Bhavan after a stint in Raj Bhavan. Option four is unlike his immediate predecessor. predecessor okay, pranam Mukherjee, Mr. Kovind moves into Rashtrapati Bhavan after a stint in Raj Bhavan. And option number five is unlike his immediate predecessor, Pranab Mukherjee, Mr. Cohen moves into Rashtrapati Bhavan before a stint in our Raj Bhavan. Well, let's take a look at the correct answer, and the correct answer is well, it's option number four. That means unlike his immediate predecessor. Pranam Mukherjee Mr. Kovin moves into Rashtrapati Bhavan after a stint in a Raj Bhavan. So, guys, all those of you who chose option number four and rather who hit a boundary on the block hole you guys have got it right because that gives you one on one right away. I hope that all of you have got one on one. Now, let's move forward. Let's take a look at the next part of this article. And before we do that, do share the video with your friends and family. Now, here comes. the Next part of this article. So in 1998, Narayana ascertained or determined the support. मिस्टर वाजपेयी हैड बिफोर कॉलिंग हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट ओके अब देखा जाए तो शर्मा जी ने जब इनवाइट किया था वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए तो वाजपेयी जी ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लिया था 96 में लेकिन फिर तेरह दिन में उनकी सरकार गिर गई थी बिकॉज ही लॉस द नंबर्स ऑन द अदर हैंड वेन नाइनटीन में उन्नीस में जब के आर नारायणन जी वहाँ प्रेजिडेंट थे और तब भी जब हंग हाउस था और किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिली थी तो उन्होंने Uh, के आर ने खुद ही अच्छे से समझ लिया डिटर्मिन कर लिया कि कितनी कितने किस पार्टी के पास कितने नंबर्स हैं और जब वो बिल्कुल आश्वस्त हो गए कि हां बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है तभी उन्होंने मिस्टर वाजपेयी को कॉल किया और उन्हें इन्वाइट किया था सरकार बनाने के लिए So, see, in 1996, when Mr. Sharma, when President Sharma called on the Prime Minister, okay, called on the Vaj Mr. Arulbhairavas Pai, to form the government. Mr. Arulbhairavas Pai took the invitation. Unfortunately, he did not have the numbers, and his government fell in 13 days. In the same way, by the way, in fact, in, uh, in another situation, in 1998, when, when once again it was a hung house, it was a hung, it was a hung assembly. then K R Narayanan ascertained or determined the support Mr. Vajpayee had before calling him for forming the government. I hope you got the point here. Now, like these predecessors, Mr. Coven may be involved in situation with no set president. Ab dekha jaye, to aise hi. ऐसे ही जैसे फैसले हुए यहां जहां पर अलग अलग अप्रोच प्रेजेंट ने दिखाए तो Mr कोविंद को भी ऐसी ही सिचुएशन सामना करने पड़ सकती हैं जहां पर उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसके पहले राष्ट्रपतियों ने कैसा किया था यानी कि कहीं से वो देखकर फैसला नहीं कर पाएंगे उनको अपने विल पर ही फैसला करना पड़ सकता है वेल बाय द वे यू नो द थिंग इज दैट मिस्टर कोविंद माइट हैव टू डिसाइड ऑन ऑन हिज ओन अ लॉट ऑफ मैटर्स वेयर ही माइट नॉट हैव सम प्लेस टू लुक एट इन ऑर्डर टू डिटर्मिन वॉट इज द करेक्ट डिसीजन एज ऑफ नाउ नाउ Well, Mr. Koven, the that's something we understood. Uh, also, while the use and the abuse of Article 356 and the imposition of President's rule are now monitored closely by the higher courts, as President, he will un he will necessarily have to use his own discretion should the Union Cabinet send as send such a recommendation. Now, तो आर्टिकल 56 का 356 जो गलत इस्तेमाल हो रहा था और साथ ही में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए देखा जाए तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको बोला बोला जाए यूनियन गवर्नमेंट द्वारा लेकिन जो एक मेन चीज है अब हायर कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कहां पर आर्टिकल 356 लगाया गया है या फिर कहां पर सही तरीके से या गलत तरीके से प्रेजिडेंट रूल को लगा दिया गया है तो इसीलिए ये सोचते हुए ये जानते हुए कि हाई कोर्ट जो होंगे या हायर कोर्ट्स जो होंगे वो इन सब बातों पर बहुत ध्यान देंगे दे तो मिस्टर कोहली को जो है इनफैक्ट सॉरी मिस्टर कोविंद को राधर ही इज एक्चुअली द कोहली एज वन एज वन ऑफ द प्रेजिडेंट दैट्स व्हाई यू नो सो पर मिस्टर कोविंद उनको कई बार हो सकता है कि अपने विवेक से अपने विवेक के आधार पर सही फैसला करना पड़े या अपने विल पावर पर सही फैसला करना पड़ सकता है

अब आगे देखते हैं नाउ ऑन कंटेंशियस और करलसम करलसम पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन ही कैन बी एक्सट्रीमली इंफ्लुएंशियल

ये समझते हुए कि वो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं इसको ध्यान में रख के फैसला करना होगा और कोई भी बयाज उन्होंने उनको नहीं दिखाना होगा सो यू नो ऑन सच मैटर्स विच माइट बी प्राइट फॉर इन विच माइट बी बिटवीन द पार्टी बीजेपी फ्रॉम वेयर ही कम्स versus the opposition parties you know or the congress parties so there can be some conflict between the bjp and the opposition parties or congress parties if while considering or while judging such matters president uh, president Corwin will have to uh, take a decision based on his moral authority and considering the weight of the public office that he is holding now mr kovind secured an impressive victory रिसीविंग मोर than द नंबर ऑफ वोट्स pledged टू हिम सिग्निफाइंग एक्सेप्टेंस लेवल्स दैट गो बियॉन्ड द एन डी एस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अब देखा जाए भाई तो मिस्टर कोविंद की जो विक्ट्री थी वो सच में बहुत ही ज्यादा शानदार किस्म की विक्ट्री थी और वो ऐसी विक्ट्री थी जो कि एनडीए अगर अपना पूरा पॉलिटिकल पावर लगा भी देती तब भी उनको नहीं मिलती यानी कि देखा जाए तो एक्सेप्टेंस जो था मिस्टर कोविंद को लेकर काफी ज्यादा था बिकॉज सेवेंटी ऑफ द वोट्स जो कास्ट हुए थे इनफैक्ट ही गॉट मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द वोट्स इन द प्रेजेंश इलेक्शन ओके सो मिस्टर कोविंद नो वॉट ही एक्चुअली He actually uh, got a really he secured an impressive victory and you know what these victory in fact the numbers that he got were not just because of the NDA's of NDA's political spectrum or political power but perhaps the acceptance was really really a lot and you know what seventy percent now why I'm saying this because he got seventy percent of the votes that were casted more than seventy percent of the votes that were casted you know in the presidential election and this can only be possible when everyone in fact not everyone but most of the people and in fact a lot of people have a lot of respect for somebody some particular person now once the name of the candidates for the election were known much of the interest centered on the support he would garner from opposition parties not affiliated to the congress उम्मीद लोग ये कर रहे थे कि शायद कोई नेशनलिस्टिक का तरह का नाम आएगा या फिर कोई नेशनलिस्ट टाइप का नाम आएगा या कोई राइटर्स टाइप का नाम आएगा लेकिन जब मिस्टर कोविंद का नाम सामने आया तो फिर कई सारे लोग ये आशंका कर रहे थे इनफैक्ट कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि कांग्रेस से लिंक्ड नहीं है वो कैसे फैसला करेंगी और वो क्या साथ देंगी कि नहीं देंगी सो गैज यू नो वॉट वंस द नेम ऑफ द कैंडिडेट केम आउट इन पब्लिक अलॉट ऑफ इंटरेस्ट वॉज गर्नर्ड इन फैक्ट अफ इंटरेस्ट वॉज सेंटर एट द सपोर्ट दैट मिस्टर कोविंद विल गेट इन फ्रॉम दिशन पार्टीज विच अव आर नॉट अफिलियेटेड टू द कांग्रेस आई होप ग इतना आपको समझ में आ गया होगा ऑल राइट सोटी सिक्सटी फाइव पॉइंट सिक्स मैं अप्रॉक्स बोल रहा था ओके तोह्स अराउंड सिक्स पॉइंट सिक्स वोट्स एग्जैक्टली मिले थे उनको नाउ एनीवे गाइस वेल हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू एंड हियर इट इज सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन तीन स्टेटमेंट्स को देखिए और बताइए इन तीन में से कौन सा बिल्कुल सटीक है कौन सा बिल्कुल सही है इस पैसेज के हिसाब से यू यूगा थर्टी सेकेंड्स नाउ हरी अप गाइज Okay, 20 seconds more, guys. Quickly, what's the answer? Last 10 seconds, hurry up. Come on. Okay, 5 seconds more, guys. Quickly, what's the answer? Come on. Okay.

Well, now see which of the following is true according to the passage. Well, take a statement A in 1998, Narayanan ascertained the support Mr. Vajpayee had before calling him to form the government. Then, statement B the use and abuse of Article 356 and the imposition of President's rule are now monitored closely by the lower courts. In statement C, it said once the names of the candidates for the elections were known, much of the interest centered. On the support he would garner from opposition parties. Okay. So way yeah statements statement now let's take a look at the correct answer, and the correct answer is.

So, bigger, better. Now, what is the thing? The first article tha, it was somewhere around the politics of our nation, and the next article would be somewhere around the financial aspect of our nation. I am sure that the article will interesting. Lagne wala hai. Now, let's take a look at this. So, the Union Cabinet's uh, in principle nod to the purchase of Hindustan Petroleum Corporation Limited by the Oil and Natural Gas. ऑयल एंड नेचरल गैस पेट्रोल कॉरपोरेशन हैज क्लियर द डेक्स फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन ऑयल ज्वाइंट अब देखा जाए भाई तो यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को वो बेच देंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को और इसकी वजह से देखा जाए तो रास्ता साफ हो चुका है हमारी कंट्री के लिए अपने पास एक ऑयल की बहुत बहुत ही बड़ी इनफैक्ट बहुत ही विशाल ऑयल कंपनी के रिगार्डिंग सो गाइस द यूनियन कैबिनेट इन प्रिंसिपल नॉट और अप्रूवल टू परचेज ऑफ द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बाय द ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन हैज क्लेय द वे इनफैक्ट

उन्होंने अनाउंस भी किया था बजट में कि सरकार जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज को मर्ज करने का सोच रही है जिससे द फाइनेंस दिनिस्टर्स अनाउंसमेंट इन दिस बजट दैट द गवर्नमेंट वुड सी क्राद टू मर्ज पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज फॉर क्रिएटिंग लार्जर एंटिटीज और कंपनीज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूमेटेड

Now, guys, the acquisition is expected to be completed over the next uh, next year with the ONGC buying the government's 51% stake in HPCL. I hope guys ki itna apke mein bad gaya hoga. I hope that whatever I've taught you so far has got seated in your brain perfectly. And if it has got seated perfectly, you can type seated sir. Now we'll understand more. Well, एचपीसीएल को खरीद करके ओ एन जी सी के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि एच पी सी एल का जो रिफाइनिंग एंड रिटेल फैसिलिटीज है उनका बेसिकली है उनपे पूरा पूरा एक्सेस मिल जाएगा ओ एन जी सी को जो की है बहुत टाइम से चाहता भी था so perhaps you know what this merger rather you know this buyout would actually offer this acquisition was actually offer rather grant ONGC access to HPCL's refining and retail facilities which it wanted for a long long time now the rationale or the logic is that a bigger vertically integrated oil company can help India achieve the scale required to compete at the global level and help better absorb oil price shocks अभी हमें बहुत सारा ऑयल जो है इंपोर्ट करना पड़ता है तो अगर हमारी कंपनी में ही एक बहुत ही बढ़िया ऑयल जाइंट होगा बहुत बड़ी ऑयल कंपनी होगी तो इससे हम लो लोग ग्लोबल मार्केट पे भी कंपीट कर सकेंगे ऑयल बेचने के लिए और साथ ही में अगर ऑयल मार्केट में कुछ ज़्यादा बेसिकली मान लेते हैं प्राइस में कुछ ज़्यादा ही बढ़ोतरी आ जाती है तो हमारे कंट्री में देखा जाए तो उसका असर कम पड़ेगा और हम लोग उससे ज्यादा चीजें निपट पाएंगे नाउ गाइज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन इज दैट सिंस आर नेशन वुड ऑल्सो हैव एन ऑयल जॉइंट एंड दिस विल इनेबल अस इन कंपीटिंग द ग्लोबल मार्केट मोर इफेक्टिवली प्लस यू नो वॉट जस्ट से देर इज अ सर्टन चेंज ऑफ प्राइसेज और यू नो दे इज अर्टन Let's just say that the, that the oil prices rise steeply, then our nation would be better protected if we have an oil joint in our nation. All right. Now, in fact, it is expected that the cabinet may decide to consolidate or strengthen more public sector oil companies. Okay. अब देखा जाए भाई तो ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से देखा जाए तो ऐसे जो स्टेप्स होंगे उससे पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज जो है हमारे देश में उनको और भी मजबूती मिल जाएगी सो है इनफैक्ट

और देखा जाए तो ये जो हमारा डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है उसके एक तिहाई से ज्यादा है यू नो वॉट सो इन एडिशन यू नो वॉट कंसिडर वन मोर पॉइंट दिस पर्टिकुलर स्टेक आउट सेल फॉर द गवर्नमेंट इन एचपीसीएल मीन एन इन्वेस्टमेंट एन इनकम ऑफ राउजेंड करोड़ एंड दिस वुड कंप्लीट मोर देन अ थर्ड ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट दिस इन्वेस्टमेंट टारगेट सो आई होप ग इतना हाँ बिल्कुल तो रियाज ने बहुत बढ़िया समझाया है एन जी सी छोटा समोसा एच पी सी एल छोटा समोसा ओ एन जी सी प्लस एच पी सी एल बड़ा पनीर समोसा बिल्कुल सही कह रहे हो नाउ लेट्स वेल हियर इट कम्स फॉर यू सो solving it, इट स्टार्ट अरेंजिंग इट time starts नाउ गो 75 seconds left, guys. Quickly. Okay, just 60 seconds left. Come on, arrange it quickly. Okay, Riaz has already answered this. It's, it's CFBEAD. प्रताप ऑल्सो आंसर्स इट कमॉन गाइज फोर्टी फाइव सेवरी वन थर्टी से सिर्फ तेज तर्रा लोग भी नहीं है जो सभी लोगों के लिए है सो एवरी वन मैं ट्राई कमान किसी का कॉपी मत करना अपना ही बताओ बनाओ भगवान कमॉन गाइज okay, 15 seconds more. good evening, he and everybody else. okay, 10 seconds more, guys. come on. give me the answer. okay, well, guys, it's time. well, the time is up. now let's take a look at the correct arrangement, correct answer, and here it is. the correct arrangement is c-f-b-e-a-d. you say arrangement of c-f-b. ए e डी में उम्मीद करता हूं कि जो आपका स्कोर होगा इनफैक्ट जो आपका आंसर होगा वो सही होगा वो सी एफ बी ई ए डी ई होगा बिकॉज लेट्स जस्ट से इफ यू हैव गॉट द कंप्लीट अरेंजमेंट दैट गिव्स यू वन मार्क्स एंड इफ यू हैव अरेंज्ड फोर सेंटेंसेस देन दैट गिव्स यू हाफ मार्क्स ओके So, see me diya hai. the union cabinet's in principle not to the purchase of Hindustan Petroleum Corporation Limited by the Oil and Natural Gas Corporation has cleared the decks for India to have its own oil giant. Now, the decision follows the finance minister's announcement in this year's budget that the government would seek to merge public sector oil companies to create larger entities. The acquisition is expected.

ऑल so, दिस course मेक्स the ONGC HPCL deal look like डील लुक लाइक अ बून फॉर द गवर्नमेंट and एंड overall economy. अब देखा जाए तो हमने जो भी चीजें अभी समझी इससे पहले रि के पहले तो उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भी हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे कि भाई सरकार को 30,000 30 हजार करोड़ का इनकम मिलेगा और साथ ही में देखा जाए तो हमारे देश के लिए जो ऑयल की जो सिस्टम है ऑयल का सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सभी चीजें देखकर ऐसा लगता है कि ये जो मर्जर है ओ एन जी का ये काफी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट ये बिल्कुल वरदान के समान है हमारे सरकार के लिए और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए सो बेसिकली द स्टेप दैट वी सो यू रोथ इनफैक्ट द फैक्ट्स दैट वी सो रिगार्डिंग द एक्सचेकर इनकम ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड करोड़ एंड ऑल्सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑयल सिस्टम ऑफ आर नेशन ऑल ऑफ दिस ऑफकोर्स विल बून फॉर द गवर्नमेंट दर एंड ऑल्सो दल इकॉनमी ना देर आर क्वेश्चन अबाउट हाउ ओ एनजीसी विल फाइन द कैश टू कंप्लीट द डील ओके अब देखो पहला जो सवाल है वो ये है हजार करोड़ रुपए ये ओ एन कहां से लेके आएगा और कैसे लेके आएगा भाई कितने बैंक लूटने पड़ेंगे इसको जस्ट मनी ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड करोड़ पॉइंट इज हाउ कैन हाउ इट कैन ओपन ऑफ टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अब दूसरी बात ये है भाई, कि जो नन्ने मुन्ने शेयर होल्डर्स हैं उनको इतना बढ़िया ऑफर ये कैसे सब कर देगा इनफैक्ट अगर तीस हजार करोड़ उसके पास है तो व्हाई नॉट यू you know, नो व्हाई नॉट ब्रिंग आउट बेटर स्कीम्स एंड पे द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स रादर इट्स गोइंग टू यू नो व्हाट इट्स गोइंग टू स्पेंड इट ऑन द गवर्नमेंट्स ऑन बाइंग बाइंगेक आउट वेल बट दीज मे बी द लीस्ट ऑफ विच वरीज लेकिन देखा जाए तो ये जो सवाल है ये बहुत बड़े सवाल नहीं है ओ एन जी जी का पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है काफी कम चिंतन वाले सवाल हो बिजनेस कॉम्बिनेशन इवन दो इन्वॉल्व प्राइवेट प्लेयर्स पोटेंशियलीस्ट्रक्टिव टू शेयर होल्डर वेल्थ अब देखा जाए जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी सरकारी एंटिटी डाउन हो रही हो तो उसको प्राइवेटर के साथ मिक्स करके जो शेयर सॉरी अगर को मान लेते हैं कोई भी सरकारी कंपनी डूब रही है तो उसको प्राइवेट कंपनी को बेच करके उस प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को फायदा ही हो ऐसा कहीं नेसरी नहीं है सो यू नो वॉट बिजनेस कॉम्बिनेशन इवन दो

इंडियन एयरलाइंस ऐसे जा रहा था लेकिन फिर ऐसे मर्ज हुआ और लोगों को लगेगा कि ये वापस ऊपर जाएगा लेकिन ये ऐसे चला गया ठीक है भाई तो दैट्स दट यू नो वट सो अब देखा जाए तो एयर इंडिया India और इंडियन एयरलाइंस के जो दो में मर्जर हुआ था उसके बाद उड़ान ऊपर गई टेकऑफ और बढ़िया होता गया या फिर अचानक से क्रैश लैंडिंग हो गई यह बताने की जरूरत नहीं है ये बहुत ही कॉमन चीज है सो व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्जर ऑफ एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइन इन 2007 इज सेवन क्लियर टू एवरीवन एनीवे, सो आई होप गाइस कि इतना बढ़िया दिमाग में बैठ गया होगा अगर बैठ गया है तो आप लिख सकते हो बोस ए सर

हाँ हाँ मुझे अपने एक फ्रेंड की बात याद आ रही है भाई मेरे एक फ्रेंड ने जो किया है उसकी मैं उसका नाम नहीं लूँगा मतलब उसको बहुत मार पड़ने वाली है उसने अपनी वाइफ़ को जो है एक ओप्पो का फ़ोन गिफ्ट किया उसकी वाइफ ने जो है वो ओप्पो का फ़ोन भी खो दिया मतलब वो फ़ोन खो दिया उसके बाद उसने अपनी वाइफ को सैमसंग का एक फ़ोन दिया और अभी हाल ही में उसकी वाइफ ने सैमसंग का वो फ़ोन भी खो दिया है और अब उसकी फाइफ जो है उससे आईफोन सेवन मांग रही हैं जो सबसे एडवांस मॉडल है और अब वो बेचारा जो है मुझसे कह रहा है कि मैं इसको ऐसा क्या बोलूं कि जिसकी वजह से जिससे ये मुझसे फ़ोन ही ना, ना ख़रीदवाए अगेन या दोबारा अब देखा जाए तो मतलब उसकी वाइफ का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा खराब रहा है ना कि बेचारा जो मेरा फ्रेंड है वो उसको नहीं देना चाह रहा है कोई पर्टिकुलर फ़ोन ख़रीद करके फिर आईफोन तो भूल ही जाए वो ज़्यादा अच्छा है एनी वे तो वही केस यहाँ पर हो रखा है ओ उम्मीद तो बहुत दिखा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा इससे ये होगा इससे वो होगा लेकिन ओ का जो रिकॉर्ड रहा है ना पास के एक्विजिशंस uh, का वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और कई बार ऐसा अच्छा हुआ है कि उसने बहुत गलत जगह भी मतलब बहुत गलत उसका एक्विजिशन हुआ है और कई बार उसको नुकसान हो गया उल्टा सो गाइज वट हैज़ हैपेंड इज वट हैज़ हैपेन्ड इज नो वॉट दैट एन जी सी डेव अ सी वॉट हैपन इन द पास विदी रियली मार्क्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स ओवर इट्स करेंट एक्वेजन इज वेल बिकॉज इट डजेंट रियली हैव अ गुड रिकॉर्ड ओके अब आगे समझते हैं जनरल है्रिटिसाइज एड फॉर द एक्सपेंसिव एक्वेजिशन ऑफ द यूके बेस्ड इंपीरियल एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑन अनियलिस्टिक एक्सप्रोजेक्शन अबाउट रिटर्न और सिर्फ रिकॉर्ड ही खराब नहीं है दो हजार ग्यारह में कॉम्प्रोल इनफैक्ट सी ए जी ने अच्छे से होंका था क्रिटिसाइज भी किया था ओ की ओएनजीसी को क्योंकि उसने ओ ने एक यूके बेस्ड इंपीरियल एनर्जी कॉरपोरेशन को खरीदा था और उस वो जो खरीदा गया था बिल्कुल अनराइट यू नो अन रियलिस्टिक प्रोजेक्शन रिटर्न्स के बारे में सोच कर ही खरीदा गया था तो गाइज एनी वे ना तो सी ए It had also criticized the ONGC in 2011 for its expensive acquisition of the UK based Imperial Energy Corporation on totally unrealistic projections and returns. Okay, about returns. So I hope, guys, that you have Now, let's take a look at question number four. Well, here it is for you. So the union cabinets in principle uh, okay the union cabinets in principle not to the purchase of Hindustan Petroleum Corporation Limited by the Oil and Natural Gas Corporation. Well, here's the options for you. So give me the correct answer, guys. You got 30 seconds. Your time starts now. Hurry up. Okay, 20 seconds left, guys. Now, one clarification it is not about Kush, sir. He is as bachelor as it gets, so don't worry. Okay, 10 seconds more, guys. It's a friend of mine whose name starts with an R. Okay, 5 seconds more. Come on, guys, quickly. Well, the time is up, and I can see a flood of answers over here, so that's really very cool. Now, anyway, the Union Cabinet in the Union Cabinet's in principle not to the purchase of Hindustan Petroleum Corporation Limited by the Oil and Natural Gas Corporation. Now, see, considering the question, option one was has blocked the decks for India to have its own giant, option two is has cleared the decks. For India to sell its own oil giant, option three is has cleared the way for India to have its own oil giant. Option four is has cleared the highway for India to have its own oil giant. Option five is has uh, cleared the decks for India to consume its own oil giant. Now let's take a look at the correct answer, and the correct answer is well, it's option number three, guys. So. अब भाई ऑप्शन नंबर थ्री देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने लिखा था लाइक कंज मोही एंड वेर इज अ पीपल लाइक यू नो नाम बदलो कर रहे हैं एनी वे गाइज ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर एंड आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ यू हैव अ फोर ऑन फोर परफेक्टली सो वेल डन गाइड एंड इवन थ्री ऑन फोर इज ऑल्सो रियली रियली गुड स्कोर ओके सो गाइज दैट वॉज ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ कम्स अ सेशन इन फैक्ट कम्स अ सेक्शन दैट इज एक्चुअली फेवरेट for all of you because you guys get to score a lot of marks in a really short span of time so can you tell me what section is it and yes it is the next one please the vocab quiz so guys are you ready for the vocab quiz come on all those of you who are ready for the vocab quiz who are ready to score 4 on 4 in the vocab quiz give me a stone cold style hell yeah and lots of hell yeahs over here well let's start with question number 5 so, what's this? not for the for the word predecessor from the given options. You got thirty seconds. Okay, sorry, you got fifteen seconds. Go. Five seconds more, guys. Hurry up. Well, the correct answer is option number four precursor exactly so derivative or successor or descendancy successor or descendant would have been a clear antonym and derivative would have been a whatever would, uh, would have been a relative antonym but a precursor is the correct synonym over here now let's take a look at question number six so what's the correct antonym for the word a certain from the given options you got 15 seconds go Okay, five seconds more, guys. Hurry up. So the time is up, and the correct answer is it's option number one, invalidate. Because see, a certain means to confirm or to determine or to establish, but the antonym would be invalidate. Now, well, let's take a look at the penultimate question, and the penultimate question is okay so it's the synonym for the word consume it so kya abhi, kya hoga? Synonym for the word consume it from the given options you got 15 seconds go come on everyone last five seconds left hurry up hurry up and the correct answer is let's well, option number three. Terminate. Exactly, guys. So just say nonim hoca yap, consummate ka Terminate, commence, or neglect or begin. See. Commence or begin are the starters, and neglect would have is not really related. So the correct answer over here is terminate. And now let's take a look at the final question or the ultimate question. It's question number eight. And here it comes. So, guys, what is the correct antonym for the word contentious? You got 15 seconds. Go! Last five seconds, guys. Fire everything. Come on, okay. And the correct answer is well, it's option number two Amy Cable because contentious. The synonyms for the word contentious are antagonistic, or combative, or belligerent. But the correct antonym over here would be amicable. So I hope, guys, ki in arts, in art questions, me, your score hoga, wo eight on eight. Raha hoga. Aur agar eight on eight raha hoga, then six on eight round surely, raha hoga because as both the articles were interesting. And wo vocabulary words be also interesting. Rahe the. Now let's take a look at the other articles for review. And here they are. सो दी आर द आर्टिकल्स आर फॉर रिव्यूट फॉर यू अब देखो क्या है गेन इन ट्रांसलेशन अब देखो गेन इन ट्रांसलेशन दिस इज रिगार्डिंग दिस इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग द टू थाउजेंडेंस ऑफ लैंग्वेज देन डीकोलोनाइजेशन ऑफ डीकोनाइजिंग ऑफ द करिकुलम या डीकोलोनाइजिंग द करिकुलम दिस इज रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया द नेक्स्ट इज मिस्टिक हीलिंग अब देखो क्या चीज है ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म का आर्टिकल है इसको आप समझ सकते हैं देखकर फिर अगला जो है रेस्ट्रोस्पेक्टिव कंफर्ट ये भी एक बहुत ही अनोखा किस्म का आर्टिकल है इसको भी आप लोग समझ सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं जो आज सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए लेकिन साथ ही में इफ यू वांट टू रीड एनी ऑफ दीस आर्टिकल डीकोलोलाइजिंग द करिकुलम इज अ रियली रियली नाइस आर्टिकल एंड यू कैन रीड ऑल आर्टिकल्स यूजिंग द फ्री एडिटोरियल पी लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो दैट वॉज ऑल

5 p.m. to so be here at 5 p.m. if you want to have some fun regarding the hindu editorial analysis and that's all from me tonight so this is, this is sort of day signing off and always remember that at 7 government job is right there in your pocket so thank you